हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले कैसे आप अपने कंटेंट से पैसे कमा सकते हो, मतलब आपका जो पैशन है कंटेंट क्रिएट करना उसको आप कैसे अपना प्रोफेशन बना सकते हो एंड कैसे आप उस प्रोफेशन से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो जस्ट लाइक मी। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया से अर्निंग करने क्या क्या तरीके हैं एज एन आर्टिस्ट या फिर एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वाली वीडियो में। एंड ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगने वाली इस वीडियो में। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करें एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है नीरज एंड मैं एनएसबी पिक्चर्स नाम से इस यूट्यूब चैनल को पिछले 4-5 साल से चला रहा हूं। हालांकि इससे पहले मेरा एक और चैनल भी था जो कि डिलीट हो चुका है, बट हाँ मुझे 4-5 साल का यूट्यूब इंस्टाग्राम या फिर और सोशल मीडिया का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़ के मैं जस्ट ऐसे 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अर्निंग के सोर्स नंबर 1 से जो कि है एड रेवेन्यूज। अब देखिए एड रेवेन्यूज क्या चीज है, अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो उस पर कुछ एड्स आती हैं उसके लिए आपको पे किया जाता है। अब ये चीज सबसे पहले यूट्यूब में ही आई थी एंड आपके कंटेंट पे जो एड्स आती हैं यूट्यूब वीडियोस में उनके लिए आपको पेमेंट मिलता है। अगर यूट्यूब के स्टार्टिंग डेज की बात करें तो यूट्यूब पे हर कोई जब पहले वीडियो डालता था उसमें एड्स आती थी एंड उनकी अर्निंग उसको मिलती थी, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो चुका है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना जरूरी है तभी आप अपने चैनल पे एड्स रन कर सकते हो। मतलब एड्स आपके वैसे भी आएंगे लेकिन आपको उसका रेवेन्यू तभी मिलेगा। अब अगर मैं अपनी खुद की बात करूं कि मेरी अर्निंग में एड रेवेन्यूज का कितना परसेंट शेयर रहता है तो जस्ट 30%। यूट्यूब बहुत कम पेमेंट करता है, अगर आपके मतलब बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी अर्निंग बहुत ही ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी काफी नॉर्मल सी अर्निंग हो जाती है। एंड ज्यादा अर्निंग करने के यही तरीके कि आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए। एंड ज्यादा व्यूज कैसे आएंगे, अगर आप अपनी वीडियो में अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो को ज्यादा देखेंगी, ज्यादा शेयर करेगी एंड ज्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसमें ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा एड्स आएंगे एंड आपकी ज्यादा अर्निंग होगी। तो इसलिए मेक श्योर कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो उससे आपकी ऑडियंस की लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो या फिर एक गैप को आप फिल कर पाओ। सेकंड तरीका जिससे कि आप अपने कंटेंट से पैसे कमा सकते हो वो है स्पॉन्सरशिप। अब देखिए अगर आपने एक बार अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर लिया है, आपके पास थोड़ी बहुत ऑडियंस आ चुकी है 10K या 100K के आसपास, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप ब्रांड के साथ कोलैब करो। अब ये कोलैब आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर, कहीं भी आपको ब्रांड डील्स मिल सकती है एंड नॉर्मली ब्रांड्स आपको पे करते हैं उनके लिए कंटेंट बनाने के लिए एंड उनके ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूं स्टार्टिंग में मेरे को सबसे पहले स्पॉन्सरशिप जो मिली थी वो थी जब मेरे अराउंड 50K सब्सक्राइबर्स होते यूट्यूब पे, 2018 की बात आई थिंक। तो हाँ जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम मेरे को स्पॉन्सरशिप आई थी वंडरशेयर फिल्मोरा की तरफ से एंड पहली वीडियो मैंने उनसे की थी, तो बहुत ही मतलब बड़ी बात थी मेरे लिए क्योंकि उस टाइम पे मतलब स्पॉन्सर्स का मेरे को पता भी नहीं था इतना। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मोस्ट ऑफ द अर्निंग का सोर्स जो है स्पॉन्सरशिप ही रहता है एंड अपने अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें से 50% जो पार्ट है वो स्पॉन्सरशिप्स का रहता है, ब्रांड डील्स का रहता है। अब ब्रांड डील्स आपको कैसे मिल सकती है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, तो ब्रांड्स आपके कंटेंट को किस तरीके से जज करते हैं ये जान लेते हैं। अगर आप कोई फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूं तो आपको फोटोग्राफी वाले ब्रांड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे या फिर एडिटिंग की एप्स या इस तरीके के जो ब्रांड्स होते हैं कैमरा वगैरह की ऐप, तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई फोन का रिव्यू करते हो या फिर आपका टेक चैनल है तो आप ऐसे फोन वाले ब्रांड्स को डीएम कर सकते हो एंड वो भी आपको खुद ही अप्रोच कर सकते हैं, तो उनसे आप ऐसे कंटेंट के बेस पे उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो। या फिर सेकेंडरी चीज होती है बार्टर कोलैब, कि ब्रांड जस्ट आपको अपना प्रोडक्ट देगा एंड उसके बाद आपको जस्ट उस प्रोडक्ट को यूज करना है, उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करनी है, वीडियोस क्लिक करनी है, अपनी ऑडियंस उसके बारे में बताना है। तो ये वाला तरीका स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास एक बार अच्छी खासी ऑडियंस आ गई, आपके नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं तो आपको ब्रांड्स पे भी करती है एंड काफी अच्छा खासा पे करती है, मतलब यूट्यूब एड रेवेन्यू से काफी अच्छा खासा। अब अगर आप लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हो आपके पास मतलब 10-15K वाली ऑडियंस अभी है तो आप भी काफी अच्छी ब्रांड डील्स कर सकते हो अगर आपका कंटेंट उस हिसाब से है। आपको अपना कंटेंट थोड़ा सा कमर्शियल बनाना पड़ेगा। नॉर्मली लोग जो बहुत सारे आर्टिस्टिक फोटोज अपने डाल देते हैं लाल पीली बैकग्राउंड वाली फोटोज, वो आपको कम करनी पड़ेगी एंड आपको थोड़ा सा नॉर्मल जो जनरल कंटेंट होता है जो आप ब्रांड्स की एड्स में देखते हो उस टाइप का कंटेंट बनाना पड़ेगा। सेकेंडरी आपको थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि ज्यादा लोग रिलेट कर सकें, ताकि आपकी जो वीडियोस फोटोज ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड जब आप किसी ब्रांड के साथ कोलैब करो तो उनका जो कंटेंट है वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो वो आपके या फिर आपकी ऑडियंस के लिए खराब ना हो एंड उसका एक्चुअली फायदा हो। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे फेक ब्रांड को प्रमोट कर दो जो कि एक्चुअल में अच्छा नहीं है एंड आप उसको अच्छा बता रहे हो तो उससे आपकी जो लॉयल ऑडियंस जो आपने गेन किया था सालों से मेहनत करके वो भी टूट सकती है एंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं खुद जब भी किसी ब्रांड को प्रमोट करता हूं तो मैं खुद उस चीज को पहले यूज करता हूं, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर है उसको मैं यूज करता हूं, अगर कोई वो प्रोडक्ट है उसको मैं खुद यूज करता हूं एंड उसके बाद में उसका आगे प्रमोट करता हूं। क्योंकि ब्रांड्स आपके पास महीने में एक दो बार आएंगे लेकिन जो आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर डेली आ रही है, आपको डेली देख रहे हैं, उनके लिए आपको कंटेंट बनाना है, ब्रांड्स के लिए नहीं। अब हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि ब्रांड्स को कैसे हम खुद अप्रोच करें क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्या लिखें कैसे लिखें एंड जिससे ब्रांड रिप्लाई करें, तो ये भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि ब्रांड को कैसे ईमेल करें। स्टार्टिंग के डेज में खुद ब्रांड्स को बहुत ही बुरे ईमेल करता था एंड उनका कभी रिप्लाई आता ही नहीं था क्योंकि वो ईमेल देखने में बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता था एंड उसको देख के कोई रिप्लाई भी नहीं करता था। बट हाँ ओवर द टाइम मैंने चीज़ें सीखी कैसे ईमेल कर सकते हैं, कैसे आप प्रोफेशनली ईमेल लिखते हो, कैसे आप ग्रीट करते हो किसी को, एंड इस तरीके से मैंने प्रोफेशनल ईमेल लिखना स्टार्ट किया एंड मैंने खुद ब्रांड्स को काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स किए, उन्होंने खुद मेरे को अप्रोच किया उस बेस पे एंड काफ़ी अच्छे खासे कोलैबोरेशन आज हम लोग कर लेते हैं। पर हाँ अगर आप लोग अभी
स्टार्ट करें तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक ईमेल का फॉर्मेट आपके लिए बनाकर रखा हुआ जिसको कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक उसमें डालिए, अपने फॉलोअर जितने आपके वो डालिए, अपना नेम और सब कुछ चेंज करिए एंड उसको जस्ट आपको ब्रांड को भेज देना है, तो हो सकता है आपका रिप्लाई भी आ जाए। एंड अगर आपका कोई फेवरेट ब्रांड है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो एंड आपका कॉन्टेंट भी उससे रिलेटेड है तो आप उनको ईमेल कर सकते हो एंड ईमेल का फॉर्मेट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप फ्री में चेकआउट कर सकते हैं एंड उसको कॉपी करके थोड़ा बहुत एडिट करके आगे ब्रांड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। सो द थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट से आप लोग कैसे कमा सकते हो, सबसे पहले तो जानते हैं कि एफिलिएट होता क्या है। तो एफिलिएट का बेसिक मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को किसी को रिकमेंड कर रहे हो एंड वो उस चीज को बाय कर लेते हैं तो उसकी जो बाइंग वैल्यू उसका एक थोड़ा सा पोर्शन आपको एज कमीशन मिलता है जो कि आपकी इनकम का एक पार्ट बन जाता है। अब ऑनलाइन अगर आपने ऑडियंस बिल्ड कर दी अच्छी खासी, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं डेली एंड रेगुलरली, आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं एंड आपकी बातों को मानते हैं, तो आप उनको किसी भी चीज़ का एफिलिएट लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हो किसी और को, और अगर आपकी ऑडियंस आपके एफिलिएट लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदती है तो आपको थोड़ा बहुत उसका पोर्शन मिलता है एंड आपकी अर्निंग उससे हो जाती है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो अपनी वीडियोज में जो मैं म्यूजिक यूज करता हूँ वो एपिडेमिक साउंड से यूज करता हूँ एंड उसका लिंक मैं हमेशा अपनी वीडियो के नीचे डालता हूँ ताकि अगर आप में से भी कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हो एंड उसको म्यूजिक की जरूरत हो तो आप एपिडेमिक साउंड को चेकआउट कर सको एंड वहां से म्यूजिक आप डाउनलोड कर सको। और अगर आप एपिडेमिक साउंड पे अपना अकाउंट बनाते हो, वहां से मेंबरशिप उनकी लेते हो तो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन मुझे ही मिलता है, बट आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली बाय करोगे तब भी आपको वो उतने का ही पड़ेगा एंड अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करोगे तब भी आपको वो उतने का ही मिलेगा। तो मतलब जो बायर है उसको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा प्राइस का, लेकिन जिसने एफिलिएट आपको लिंक प्रोवाइड किया उसको थोड़ी बहुत इनकम उससे हो जाती है। जैसे अगर आप किसी भी यूट्यूबर की सेटअप टूर की वीडियो देखो तो वहां पे बहुत सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं अमेज़न के, वो सारे लिंक्स मोस्टली एफिलिएट रहते हैं एंड अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके किसी भी चीज को बाय करते हो तो उसका एक परसेंटेज जो है आपके क्रिएटर को भी मिलता है। अब अगर बात करें अर्निंग के शेयर का तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो शेयर मेरी अर्निंग में है वो जस्ट 20% है, मतलब बहुत ही कम परसेंट है, लेकिन हाँ है। मोस्टली हर कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स रहते हैं, आपको अगर किसी भी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो आप जस्ट गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, जैसे अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम या फिर एपिडेमिक साउंड एफिलिएट प्रोग्राम, तो ऐसे आपको हर कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाते हैं एंड अगर आप रेफरल से कमाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्किल, आप अपनी स्किल से भी पैसे कमा सकते हो। आपकी स्किल जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। अब देखिए, सपोज आप जस्ट एक टीनेजर हो जिसको कि कोई भी चीज नहीं आती अभी करनी एंड आपको यूट्यूब पे बोलने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कंटेंट बनाने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप कोई भी स्किल अभी अक्वायर कर सकते हो, जैसे फोटोग्राफी या फिर एडिटिंग, थंबनेल बनाना या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, पोस्टर डिजाइनिंग, तो इनमें आपको कहीं पर दिखना नहीं, आपको जस्ट बैकएंड में रहकर काम करना है एंड इस काम के आपको पैसे भी मिल सकते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूं, स्टार्टिंग मैंने इसी चीज से की थी, मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाई थी, मैंने स्टार्टिंग में जस्ट पेड एडिटिंग की थी लोगों के लिए, मैं लोगों की फोटोज लेता था व्हाट्सएप या ईमेल पे एंड उनकी फोटोज में एडिट करके उनको वापस कर देता था एंड इस चीज के लिए वो लोग मुझे पैसे पे करते थे, तो ये भी एक काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। एंड आजकल तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, आप किसी फेवरेट यूट्यूबर जो आप है उसके थंबनेल बना सकते हो, आप किसी यूट्यूब वीडियोस के लिए कैप्शंस लिख सकते हो। मेरे को खुद बहुत सारे ईमेल्स आते हैं थंबनेल के लिए, कैप्शन के लिए, कि हम आपके लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं, हम आपके लिए कैप्शंस लिखना चाहते हैं एंड इस चीज के लिए उनको चार्जेस मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतने ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे अगर आपको फोटोग्राफी आती है, साथ में आपको एडिटिंग आती है, आपको थंबनेल बनाना आते हैं, पोस्टर बैनर्स या फिर इलस्ट्रेशन का काम आपको आता है, आपको साउंड डिजाइनिंग आती है, ये सारी चीजें आपकी स्किल्स ऐड होती रहती है एंड इनसे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब मोस्टली स्किल से पैसे कमाने के तरीके क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज अपना बनाओ जहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखा सको, जो आपने काम किया वो आप दिखा सको, पोर्टफोलियो अपना एक बना सको एंड फिर लोग आपके पोर्टफोलियो को देख के आपसे काम करवाएंगे। एंड सेकंड तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर या फिर अपवर्क एंड ऐसी वेबसाइट पर आप अपना पोर्टफोलियो डालो और लोग आपको हायर करते हैं अपने काम के लिए एंड उसके लिए आपको काफी अच्छी खासी पेमेंट भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप पेड वर्क चाहते हैं तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा एंड उसके लिए Behance या फिर Dribbble काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो एक बार आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बन जाए तो आप अपने क्लाइंट को वो पोर्टफोलियो का लिंक भेज सकते हो ताकि आपका वो काम देख सके एंड आपको उस बेस पे आगे हायर कर सके। बट हाँ, इस वाले काम में रिस्क ये है कि आपको बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि डेली ट्रेंड चेंज हो जाते हैं एंड अगर आपने कुछ बहुत पुरानी चीज सीख भी रखी है तो उसमें हर दिन नए एडवांसमेंट आते रहते हैं, आपको सारी चीजें सीखनी है, मतलब आपको लर्निंग बहुत ज्यादा करनी है, तभी आप अपने स्किल्स को अप टू डेट रख पाओगे एंड तभी आप मार्केट में जो है रेलिवेंट रह पाओगे। देखो, सोशल मीडिया पे लाइफ बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई इंसान ट्रेडमिल पे चल रहा हो, अगर आप बिल्कुल नहीं चल रहे हो तो आप एक्चुअली पीछे जा रहे हो, मतलब अगर आप न्यू स्किल्स को नहीं सीख रहे हो तो आप एक्चुअली मार्केट से पीछे जा रहे हो। आपको डेली नई स्किल सीखनी पड़ेगी मार्केट में बने रहने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप रेलिवेंट रहो तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आप रेलिवेंट रह पाओगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा भीड़ से अलग चलना चाहते हो तो आपको ट्रेड मिल की स्पीड से भी तेज भागना पड़ेगा, मतलब आपको मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे ऊपर अपने खुद के ट्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। तो वो एक बहुत ही अलग चीज है, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप जस्ट एक स्किल को एक्वायर करने में लगा दो एंड उसको डेली इंप्रूव करो तो आप काफी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। देखो, स्किल ही एक ऐसी चीज है जो आपको पैसे कमा के देगी। अगर आप यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे, कहीं कोई भी काम करो, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते।
इसके अलावा आपकी जो ऑडियंस है वो आपको रिस्पेक्ट आपके स्किल के बेस पे करेंगे। नॉर्मली आजकल ऑडियंस हर किसी के पास है, हर किसी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और हर कोई मिलियन फॉलोअर लेके बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपका स्किल्स है तो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट मार्केट में बनती है एंड आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। ओके, सो लास्ट सोर्स ऑफ इनकम इज नॉलेज। नॉलेज से आप कैसे पैसे कमा सकते हो? अगर आपको भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज किसी चीज़ की है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो आप उससे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसके लिए कोई जॉब ढूंढते थे कि आप उस स्किल को लोगों को सिखा पाओ स्कूल्स वगैरह में या इंस्टीट्यूट्स में। बट आज के टाइम में ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, अगर आपको कोई भी चीज़ आती है एंड आप उसके मास्टर हो, तो आप लोगों को ऑनलाइन वो चीज़ सिखा सकते हो कोर्सेज के थ्रू या सेमिनार के थ्रू या फिर लाइव वेबिनार के थ्रू। जैसे सपोज आपको म्यूज़िक की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है एंड आपको स्किल भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाना आता है, लेकिन आपका कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है एंड आपको और कोई सोशल मीडिया पर जानता भी नहीं है, तो आप एक बहुत ही अच्छा अपना पेड कोर्स लॉन्च कर सकते हो जिससे आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब चाहे आपको कम लोग जानते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्किल है तो आप अपने कोर्स को बेस्ट बना सकते हो एंड जो आपके कोर्स को देखेगा उसको आपके कोर्स से वैल्यू मिलेगी एंड वो उसको आगे भी रिकमेंड करेगा। तो अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज किसी भी चीज़ का है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो कोर्सेज के थ्रू, लाइव वेबिनार के थ्रू, या फिर आप पेड रिव्यूज़ कर सकते हो लोगों के लिए, मतलब उनके कंटेंट को आप रिव्यू कर सकते हो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे मान लो अगर मैं अपने लाइटरूम के प्रीसेट सेल कर सकता हूँ, या फिर कोई म्यूजिक बनाता तो वो अपने सैंपल पैक्स को सेल कर सकता है, या फिर कोई वीडियो तो उसके वो ग्राफिक एलिमेंट को सेल कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल ऐसी। या फिर आपको आफ्टर इफेक्ट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो आप मतलब वीडियो के टेम्पलेट बना सकते हो, थंबनेल्स वगैरह जो है उनके टेम्पलेट आप सेल कर सकते हो एंड उनसे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट हाँ, इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होना किसी भी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि गलत नॉलेज देना बहुत ही गलत काम है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है तो आपको वो आगे मतलब शेयर या फिर किसी को गाइड उस चीज़ के बेस पर नहीं करना चाहिए, पहले आपको खुद पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। और मैं अगर खुद की बात करूँ, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अब तक कोई भी पेड कोर्स नहीं बनाता हूँ, मैं जस्ट फ्री में यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ एंड खुद सीखते सीखते लोगों को भी सिखा रहा हूँ। बट हाँ, जिस दिन हमें पूरी नॉलेज किसी चीज़ की हो गई तो मैं अपना कोर्स भी लॉन्च कर सकता हूँ और उससे भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपना कोर्स बनाऊँ। बाकी हाँ, अभी भी हमारे पास एक बोनस टिप है जो कि आपको मैं बताना भूल गया एंड ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप लोग फोटोशॉप आर्टिस्ट हो तो आप अपनी NFTs को बेच सकते हो, मतलब आपके पास जो अपनी आर्ट है उसको आप सेल कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आप अपनी फोटोज़ को बेच सकते हो, वीडियोज़ को बेच सकते हो, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने कंटेंट को बेच के पैसे कमा सकते हो। जैसे अगर आप NFTs बनाते हो, फोटोशॉप के आर्ट आप बनाते हो, तो उसको आप OpenSea वगैरह पे बेच सकते हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन हाँ OpenSea काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एंड अगर आप फोटोग्राफी करते हो या वीडियोग्राफी करते हो तो उसके स्टॉक फुटेजेस या स्टॉक फोटोज़ को आप बेच सकते हो। जैसे shutterstock.com है, 123RF है, या फिर Adobe Stock में अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपकी क्लिप या फिर फोटोज़ काफ़ी अच्छी हो तो आपको बहुत सारी पेमेंट भी इसके लिए मिल सकती है एंड आपको एक मतलब लाइफ टाइम रॉयल्टी उस चीज़ की मिलती रहती है। तो अपनी आर्ट को या फिर स्टॉक फुटेजेस को बेच के कमीशन कमाना या फिर रेवेन्यू कमाना भी काफ़ी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ मैं अभी फिलहाल ट्राई करूंगा स्ट्रीट फोटोज़ को बेचने के लिए। बाकी हाँ, स्टॉक फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा खासा आगे स्कोप है। अगर आप स्टॉक फोटोज़ क्लिक करते हो, स्ट्रीट में जाते हो, कुछ भी क्लिक करते हो, कुछ भी नॉर्मली हर चीज़ जो भी आप क्लिक करते हो, किसी भी चीज़ की फोटो आपने अगर क्लिक करी हो वो बेची जा सकती है। अगर आपने उसको परफेक्टली क्लिक किया हो, परफेक्टली लाइटिंग्स हो, उसमें फ्रेमिंग वगैरह हर चीज़ परफेक्ट हो, तो आपकी फोटो सेल हो सकती है और आपको काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग उससे हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए ही कॉन्टेंट बनाओ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप डायरेक्ट इनकम कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो भी तरीके होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के, एंड एज ए क्रिएटर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ या फिर बाकी जो आप देखते हो क्रिएटर्स, वो सब इसी तरीके से कमाते हैं। अगर आपको भी यूट्यूब पे क्रिएटर बनना है या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको आना है तो मोस्ट वेलकम, बहुत ही ईजी, अभी भी कोई लेट नहीं हुई है एंड काफ़ी अच्छी एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आजकल तो बहुत मस्त सोशल मीडिया ओपन हो चुका है सबके लिए। सो द राइट टाइम इज़ नाउ टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट करिए। अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप आज से स्टार्ट करिए, 2-3 साल बाद आप बहुत अच्छे एक मुकाम पर पहुँचोगे। बाकी मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ है ही। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए, किसी चीज़ का डाउट हो, किसी भी चीज़ रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा एंड अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हुई तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ अच्छा है नया सीखने को मिला होगा एंड काफी नॉलेज आपको मिला होगा। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस पूरी वीडियो में, कुछ भी आपको नई चीज़ें पता लगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो एंड एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन आप सीखना चाहते हो तो सारे चैनल को चेकआउट कर लेना, सारी वीडियोस को देखना एंड फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार लास्ट में आते पता नहीं क्या होता भाई, वीडियो में एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग चल रही है यार, बाकी तो भाई साहब आपको ही पता ही है।